हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम सुनेंगे शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 18वां अध्याय, बंधन और मोक्ष का विवेचन, शिव के भस्म धारण का रहस्य। ऋषि बोले, सर्वज्ञ में श्रेष्ठ सूत जी, बंधन और मोक्ष क्या है? कृपा कर हमें बताएं। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष के स्वरूप व उपाय का वर्णन तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। पृथ्वी के 8 बंधनों के कारण ही आत्मा की जीव संज्ञा है, अर्थात बंधनों में बंधा हुआ जीव बद्ध कहलाता है और जो उन बंधनों से छूट जाता है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति, बुद्धि, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन्मात्राएं आदि 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति हुई है। देह से कर्म होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से जानना चाहिए। स्थूल शरीर व्यापार करने वाला, सूक्ष्म शरीर इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला तथा शरीर को आत्मानंद की अनुभूति कराने वाला होता है। कर्मों के द्वारा ही जीव पाप और पुण्य भोगता है, इन्हीं से सुख दुख की प्राप्ति होती है। अतः कर्म पाश में बंधकर जीव शुभाशुभ कर्म द्वारा चक्र की भांति घुमाया जाता है। इसे छुटकारा पाने के लिए महाचक्र के कर्ता भगवान शिव की स्तुति और आराधना करनी चाहिए। शिव ही सर्वज्ञ, परिपूर्ण और अनंत शक्तियों को धारण किए हैं। जो मन शिव शरीर और ध्यान से बैरलिंग या भक्तिजनों में शिव भावना करके उनकी पूजा करते हैं, उन पर शिवजी की कृपा अवश्य होती है। शिवलिंग में शिव की प्रतिमा ने शिव भक्तजनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। पूजन शरीर, मन, वाणी और धन से कर सकते हैं। भगवान शिव पूजा करने वाले पर विशेष कृपा करते हैं और अपने लोक में निवास का सौभाग्य प्रदान करते हैं। जब तन्मात्राएं वश में हो जाती हैं तब जीव जगदम्बा सहित भगवान शिव का समीप्य प्राप्त कर लेता है। भगवान का प्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि वश में हो जाती है। सर्वज्ञता और तृप्ति शिव के ऐश्वर्य हैं, इन्हें पाकर मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। इसीलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जाप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान प्रतिदिन प्रातः से रात को सोते समय तक जन्म से मृत्यु तक करना चाहिए एवं मित्रों और विभिन्न पुष्पों से शिव की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव का लोक प्राप्त होता है। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी, शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए, कृपया हमें बताएं। सूत जी ने कहा, ब्राह्मणों, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले लिंग के स्वरूप का मैं तुमसे वर्णन कर रहा हूँ। सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है और स्थूल लिंग सकल। पंचाक्षर मंत्र को स्थूल लिंग कहते हैं। दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। प्रकृति एवं पौरुष लिंग के रूपों में बारे में एकमात्र भगवान शिव ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। पृथ्वी पर 5 लिंग हैं जिनका वर्णन मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पहला स्वयंभू शिवलिंग, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चरलिंग और 5वां गुरु लिंग है। देव ऋषियों की तपस्या से संतुष्ट हो उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप में व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्ष के अंकुर की भांति भूमि को भेद कर नादलिंग के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। स्वतः प्रकट होने के कारण ही इसका नाम स्वयंभू लिंग है। इसकी आराधना करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। सोने चांदी भूमि वेदी पर हाथ के प्रणव मंत्र लिखकर भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आवाहन करने से 16 उपचारों से उनकी पूजा करें। ऐसा करने से साधक को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। देवताओं और ऋषियों ने आत्मसिद्धि के लिए पौरुष लिंग की स्थापना मंत्रों के उच्चारण द्वारा की है, यही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। किसी ब्राह्मण अथवा राजा द्वारा मंत्र पूर्वक स्थापित किया गया लिंग भी प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है, किंतु वह प्राकृत लिंग है। शक्तिशाली और नित्य होने वाला पौरुष लिंग तथा दुर्बल और अनित्य होने वाला प्राकृत लिंग कहलाता है। लिंग, नाभि, जीव, हृदय
और मस्तक में विराजमान आध्यात्मिक लिंग को चर लिंग कहते हैं, पर्वत को पौरुष लिंग और भूतल को विद्वान प्राकृत लिंग मानते हैं। पौरुष लिंग समस्त ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला है, प्रकृत लिंग धन प्रदान करने वाला है। चर लिंग में सबसे प्रथम रस लिंग ब्राह्मणों को अभिष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है, सुवर्ण लिंग वैश्यों को धन, बाण लिंग क्षत्रियों को राज्य, सुंदर लिंग शूद्रों को महाशुद्धि प्रदान करने वाला है। समस्त पूजा कर्म गुरु के सहयोग से करना चाहिए। इष्ट देव का अभिषेक करने के पश्चात अग्नि में चावल की बनी खीर तथा नैवेद्य अर्पण करें। निवृत्त मनुष्य को सूक्ष्म लिंग का पूजन विभूति के द्वारा करना चाहिए। विभूति लोकाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित और शिवाग्नि जनित तीन प्रकार की होती है। लोकाग्नि जनित अर्थात लौकिक भस्म की शुद्धि के लिए रखें। मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों को धान्य, तिल, वस्त्र आदि की भस्म से शुद्धि होती है। वेदों से जनित भस्म को वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। मूर्तिधारी शिव का मंत्र पढ़कर बेल की लकड़ी जलाएं। कपिला गाय के गोबर तथा शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलताश और बेर की लकड़ियों से अग्नि जलाएं। इसे शुद्धि भस्म माना जाता है। भगवान शिव ने अपने गले में विराजमान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप से सार तत्व को ग्रहण किया है। उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के सार रूप हैं। भगवान शिव ने अपने माथे के तिलक में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के सार तत्व को ध्यान किया है। सजल भस्म को धारण करके शिव की पूजा करने से सारा फल मिलता है। शिव मंत्र से भस्म धारण कर श्रेष्ठ आश्रमी होता है। शिव की पूजा अर्चना करने को अपवित्रता और सूतकता नहीं लगता। गुरु शिष्य से राजस, तामस और तमोगुण का नाश कर शिव का बोध कराता है। ऐसे गुरु के हाथ से भस्म धारण करनी चाहिए। जन्म और मरण सब भगवान शिव ने ही बनाए हैं। जो इन्हें उनकी सेवा में ही अर्पित कर देता है वह बंधनों से मुक्त हो जाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण को वश में कर लेने से मोक्ष प्राप्त होता है। जो शिव की पूजा में तत्पर हो, मौन रहे, सत्य तथा गुणों से युक्त हो, क्रिया, जाप, तप करता रहे, उसे दिव्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा ज्ञान का उद्देश्य होता है। शिव भक्त यथा योग्य क्रिया एवं अनुष्ठान करें तथा धन का उपयोग कर शिव स्थान में निवास करें। भगवान शिव के महात्म्य का सभी के सामने प्रचार करें। शिव मंत्र के रहस्य को उनके अलावा कोई नहीं जानता, इसीलिए शिवलिंग का नित्य पूजन करें। ओम नमः शिवाय।